करती हूँ कि आज आपकी आंगनवाड़ी में साधन आए हैं, इसका किस तरह उपयोग होता है, किस तरह रखा गया, बच्चों को खेलने के लिए देते हैं कि नहीं देते हैं, ये देखते रहिए। ये खिलौने आने की वजह से बच्चों की संख्या बढ़ी है कि घटी है, ये देखते रहिए। सभी बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं कि नहीं आते हैं, इसका जायजा लीजिए। समय समय पे बच्चों की वैक्सीन होती है कि नहीं होती है, वो देखते रहिए। यदि नहीं हुआ है तो आप करवा सकते हो, जिला के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, सीडीओ है, ये सब कुछ हमको सहायता करेंगे। बिल्कुल सफाई की ओर ध्यान दीजिए, आंगनवाड़ी में सफाई है कि नहीं है, मक्खी मच्छर है कि नहीं है, ये सब आप देखोगे तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। बैठना वो भी एक साइंस है मित्र, किस तरह बैठते हो जिसकी वजह से आपका शरीर टटा रहे, स्ट्रेट रहे। पैर कैसे रखना चाहिए, प्रेयर कितनी और क्या करनी चाहिए। कभी मैं भी आंगनवाड़ी में मैं जाती हूँ, यूपी में भी गई हूँ और मध्य प्रदेश में भी गई हूँ और छत्तीसगढ़ में भी गई हूँ, कोई प्रेयर इतनी छोटी प्रेयर होनी चाहिए, सिर्फ 4-5 सेंटेंस की। लंबी लंबी प्रेयर बच्चों के लिए ठीक नहीं है, वो याद भी नहीं रखेंगे, और शब्द ऐसे होने चाहिए जो उसको याद रहे। और दूसरा, हमारी जो विविधता है उस पर भी काव्य रचना होनी चाहिए, फूल पर हो, पानी पर हो, गंगा पर हो, राम भगवान पर हो, प्रहलाद पर हो, ऐसी छोटी छोटी स्टोरी बच्चों को इसके सामने रखनी चाहिए, फिर छोटे छोटे प्रश्नोत्तर करनी चाहिए। इसकी वजह से बच्चों का आकर्षण आपकी ओर रहेगा और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए वो तैयार होंगे। देखिए, ये संस्कार की बात है, भाषा, ये बच्चे हमारे गांव में नहीं रहने वाले, पढ़कर आगे जाने वाले, और आगे जाएंगे तब मान लो कि कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी बनता है, बैठने के लिए कोई साधन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पढ़ना और आंगनवाड़ी में आना बच्चों के लिए बहुत ही कष्टदायक होता है, अभिभावक के लिए भी कष्टदायक होता है, और इसी वजह से जरूरी है हम आंगनवाड़ी की ओर ध्यान दें।